गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आगे m माइनस 2 अपॉन 3 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन को, m वाली टर्म सारी एक साइड रख लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में एम है, m माइनस 1 अपॉन 2, इसको अभी तो ले आएंगे सारी m वाली टर्म, यहाँ पे साइन सेंटर में प्लस का कर लेंगे, m माइनस 2 अपॉन 3। ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाला साइन नहीं चेंज होगा, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो 1 लगा देंगे, तो एलसीएम 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 1 के टेबल पे 6 भी आता है, 6 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से m आ जाएगा। माइनस 2 के टेबल पे 6 3 भी आता है, 3 बाहर रख लेंगे और m माइनस 1 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। फिर आगे प्लस 3 के टेबल पे 6 2 भी आता है, 2 बाहर रख लेंगे और m माइनस 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये 6m माइनस 3, तो m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3m और 3 बंदा 3, प्लस आगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2m और आगे 2 टू द 4 माइनस का, फिर आगे नीचे 6 लगाएंगे इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब देखना है हमने सॉल्व करना है, 6 में 3 माइनस किए 3 और 2 5m आ गया, 6 में 3 माइनस किए 3m आ गया, 3 और 2 प्लस कर दिए 5m आ गया, और 3 में से 4 माइनस किए 3 प्लस का 4 माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। और 1 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5m माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m माइनस 1 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तब क्या करेंगे, 1 जो नेगेटिव है वो उधर ले जाएंगे, 5m इक्वल टू 6 प्लस 1 और 5m इक्वल टू 7 आ जाएगा, और m की वैल्यू नीचे 5 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एम की वैल्यू 7/5 आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2.5 का। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7th करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। 7th क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग दिया हुआ है 7th क्वेश्चन से पहले, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो ये भी इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है और सॉल्व सिंप्लीफाई करके सॉल्व करनी है। तो ये इक्वेशन दी हुई है 3 (t-3) = 5 (2t+1). तो इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे पहले, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3t-3(3)(9) = 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10t और 5 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब t वाले टर्म दोनों एक साइड पे कर लेंगे 3t, ये इधर 10t प्लस के माइनस हो जाएगा, इधर आगे लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5 के अंदर, और 3t में तो 10t माइनस किए माइनस का 70 = 14, और t की वैल्यू निकालनी है तो ये 7 उधर चला जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगी 14 के साथ, 7 टेबल 14 आता है, 7 2 का 14, और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th है, इक्वेशन दी है 15y-4 - 2y-9 ब्रैकेट के अंदर है +5y+6 ब्रैकेट के अंदर = 0। तो ये भी इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंप्लीफाई करके, तो 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y बनेगा, -15 4
15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, माइनस 2 को अंदर y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, फिर माइनस 2 और माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा, फिर प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 6 का 30 आ जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 15y प्लस का उसमें से 2y माइनस करेंगे तो 13y रह जाता है, और 13 में से 5 ऐड कर दें तो 18y बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 60 माइनस क्या 30 और 18 दोनों प्लस के 48, और 60 में से माइनस कर देंगे तो माइनस का 12 बच जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18y इक्वल टू 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 12 बन जाएगा, और y की वैल्यू 12 बाय 18 आ जाएगी। 6 के टेल कट जाएगा तो 6 2 12, 6 3 18, तो 2 बाय 3 आ गया, y इज इक्वल टू 2 बाय 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 3 5z - 7 माइनस 2 है बाहर, और ब्रैकेट में 9z - 11 और इज इक्वल टू है 4, ब्रैकेट में 8z - 13 और ब्रैकेट क्लोज है पीछे 17 है माइनस का। तो ब्रैकेट खोलेंगे 3 5z - 15z और 3 7z - 21 माइनस का। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 9z - 18z और 2 × 11 माइनस और माइनस प्लस का 22 बन जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, इज इक्वल टू आगे 4 8 32z और 4 13 52 माइनस 17। अब लाइक टर्म कंबाइन कर लेंगे, 15z पहले ही ऑलरेडी इधर पड़ा है, 18z भी माइनस का इधर ही पड़ा है, और 32z इधर आके माइनस हो जाएगा, और बाकी वाली टर्म जो है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो राइट साइड पर रखेंगे, माइनस 52 माइनस का 17 और इधर से 21 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 22 माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारे पास ये 15z है और ये दोनों माइनस की है, माइनस माइनस प्लस माइनस 50z बन गया। अब इन दोनों को देखें कि ये दोनों माइनस माइनस की हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 69 बन जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस की हैं तो यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, और ये 50 में से 15 माइनस कर दिए, माइनस 35z इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 70 आ गया, और जेड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, और जेड इज इक्वल टू 70/35 और जेड की वैल्यू 35 पे 70 आता है 2 पे, और जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 कंप्लीट कर लिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो लास्ट है 2.5x का। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 0.25 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 10f-9। तो 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 100 होता है तो 1.00 आ गया, तो 1 अकेला लगा लेंगे 1p माइनस 25 3 75 0.7 इज इक्वल टू, अब 5 को 10 से करेंगे 50 बनेगा, तो हमारे पास 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने 0.50 5 10 50, तो हमारे पास 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 0.5p बन जाएगा, माइनस 5 9 45 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 45 बन जाएगा, 0.45। अब p वाली टर्म एक पैर साइड पर कर लेंगे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 1-0.50p इज इक्वल टू
यहाँ पे हमारे पास 0.45 माइनस है और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 0.75, तो ये माइनस करेंगे 0.50 आ जाएगा। पी इज इक्वल टू ये दोनों माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस किए और 7 में से 4 माइनस किए तो 0.30 आ जाएगा। और पी की वैल्यू निकालें, पी इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50, तो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे और 30/50 आ जाएगा और 0 से 0 कट कर देंगे तो 3/5 पी की वैल्यू आ जाएगी और डेसिमल में निकालें तो 0.6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 to 10 में आज वीडियो के अंदर 6 to 10 क्वेश्चन पूरे किए हैं और पिछले की वीडियो के अंदर हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो देख के आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हो और खुद भी कर सकते हो, तो इसलिए वीडियो को आपने आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जब भी वीडियोस बनाई जाए तब आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच।